अप्रैल का आगाज सैलरी में बढ़ोतरी की खबर के साथ होता है। साल के इस वक्त पर ज्यादातर कंपनियों में कर्मचारियों के पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर उनके वेतन बढ़ोतरी का फैसला कंपनियां करती हैं। इसके साथ ही खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों की छटनी या वेतन कटौती का भी फैसला इसी दौरान लिया जाता है, लेकिन ये कंपनियों की कुल वर्कफोर्स का एक बेहद छोटा सा हिस्सा होता है। ऐसे में यहाँ पर महत्वपूर्ण ये जानना हो जाता है कि इस साल कितनी वेतन बढ़ोतरी का अनुमान किया जा रहा है। फ्यूचर ऑफ पे रिपोर्ट 2023 के मुताबिक इस साल भारत में औसत वेतन 10.2% बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि ये बढ़ोतरी पिछले साल के 10.4% के सैलरी इंक्रीमेंट के मुकाबले थोड़ी कम रहेगी। इस साल सबसे ज्यादा वेतन बढ़ोतरी जिन सेक्टर्स में होने का अनुमान है उसमें शामिल है ई कॉमर्स सेक्टर, जिसमें सबसे ज्यादा 12.5% वेतन बढ़ोतरी का अनुमान है। प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर में 11.9%, आईटी सेक्टर में 10.8% वेतन बढ़ोतरी का अनुमान है। ईवा रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत में अक्षय ऊर्जा, ई कॉमर्स, डिजिटल सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, दूर संचार, शैक्षिक सेवाएं, रिटेल और लॉजिस्टिक के साथ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज्यादा नौकरियां मिलने का भी अनुमान है। इन सेक्टर्स में इस साल नौकरियों के लिए नए मौके पैदा होने का अनुमान है। ये अलग अलग सेक्टर्स में छटनी के प्रभावित कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। इसके साथ ही कर्मचारियों की स्किल्स को लेकर भी उद्योग संगठन और जानकार सरकार को अलग अलग तरह के सुझाव देकर इन्हें सुधारने की बात कर रहे हैं। रोजगार बढ़ाने के लिए निचले स्तर पर स्किल सुधारने की जरूरत है। वहीं डिजिटलाइजेशन और टेक्निकल चीजों पर ज्यादा फोकस होने से टेक्नोलॉजी सेक्टर में हाई स्किल्ड लेबर वर्क की भारी डिमांड हो सकती है। ऐसे में इस साल AI, ML और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे टेक्निकल स्किल्स वाले वर्कर्स की डिमांड ज्यादा रहेगी।